आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष तुलसी विवाह की दो कथाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह कराया जाता है और इसी तिथि के बाद शादी विवाह आदि शुभ कार्य आरंभ किए जाते हैं। जिन परिवारों में पुत्री नहीं होती, वह तुलसी जी का शालिग्राम जी के साथ विवाह करवाकर कन्यादान का फल प्राप्त करते हैं और जो स्त्रियां कार्तिक मास का स्नान करती हैं, वह तुलसी जी तथा शालिग्राम का विवाह भी करती हैं। तुलसी जी के विवाह को पूरे विधि विधान से खूब गाजे बाजे के साथ किया जाता है। तुलसी जी के बिरवे से शालिग्राम के फेरे एक सुंदर मंडप में करवाए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं तुलसी जी के विवाह की एक लोक कथा। एक परिवार में एक ननद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह अक्सर ही गुस्से में अपनी ननद को कोसते हुए कहती थी कि दहेज में वह अपनी ननद को तुलसी ही देगी। यही नहीं, वह बारातियों को भी खाने के लिए तुलसी ही परोसेगी। समय का चक्र बड़ा बलवान है। आखिर ननद के विवाह की घड़ी भी आ गई। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान श्री हरि की कृपा से वह लजीज व्यंजनों में बदल गया। भाभी को यह रास नहीं आया। उन्होंने ननद के गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। क्षण भर में वह मंजरी सोने के आभूषणों में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया और वह जनेऊ भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। जब उसकी ननद अपने ससुराल में पहुंची तो वहां पर उसकी बहुत बड़ाई हुई। उसके बाद भाभी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझ आ गया। कहते हैं, यदि आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो पूजा करने से, फल फूल चढ़ाने से या स्वादिष्ट व्यंजन बनाने से कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन अगर मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो एक फूल भी बहुत कुछ होता है। उसके बाद भाभी ने अपनी बेटी को भी तुलसी जी की पूजा करने के लिए कहा, परंतु उसकी बेटी ने उसकी एक ना सुनी। जब उसकी बेटी के विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ वही व्यवहार करेगी जो उसने अपनी ननद के साथ किया था, तो तुलसी माँ उसकी बेटी को भी आशीर्वाद देंगी। यह सोचकर भाभी ने अपनी बेटी के विवाह में वही सब किया, लेकिन तुलसी का गमला टूटा का टूटा ही रहा और मंजरी सोने के आभूषण बनने की बजाय मंजरी ही रही और जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। समाज में बेटी और उसके परिवारजनों की बहुत निंदा हुई और सभी को खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। इतना सब कुछ होने के बाद भी भाभी ने कभी अपनी ननद को घर पर नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा, क्यों ना वह ही अपनी बहन से मिलने चला जाए। उसने अपनी पत्नी से अपने मन की बात कही और कुछ उपहार स्वरूप ले जाने के लिए कहा। इस पर भाभी ने उसे झोले में ज्वार रखकर दे दिया। भाई को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि वह बहन के घर ज्वार लेकर कैसे जाए। तब उसने रास्ते में एक गौशाला में गाय के सामने झोला पलट दिया। माँ तुलसी की कृपा से वह सारा ज्वार बहुत ही सुंदर सुंदर उपहारों तथा सोने चांदी के आभूषणों में बदल गया। तब गोपालक ने कहा कि वह सोना चांदी तथा उपहार गाय को क्यों दे रहा है। तब भाई ने देखा और उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने गोपालक को सारी बात बताई। तब गोपालक बोला, यह सब तुलसी माँ की कृपा है। भाई भी खुशी खुशी अपनी बहन के घर गया। उसके द्वारा लाए हुए उपहार देखकर उसकी बहन तथा ससुराल वाले बहुत खुश हुए। हे तुलसी मैया, जैसे आपने ननद पर कृपा की, उसी प्रकार अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। जय माँ तुलसी। इस प्रकार
तुलसी विवाह की लोक कथा पूर्ण हुई। आइए अब शुरू करते हैं तुलसी विवाह की दूसरी और पौराणिक कथा। एक बार शिव भगवान ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था। उस तेज से एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य बना। उसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। उसका विवाह दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। अपनी सत्ता के अहंकार में वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। उसने अपनी माया से भगवान शिव का ही रूप धारण कर लिया और पार्वती जी के समीप गया। परंतु देवी पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर को ना तो मारा जा सकता था और ना ही वह पराजित हो सकता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी उद्देश्य से भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान श्री हरि के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में ही दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से एक वानर को प्रकट किया और वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु वह स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास ना हुआ। जालंधर बने हुए भगवान के साथ वृंदा पति जैसा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला के बारे में जब वृंदा को पता चला तो उसने कुपित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दिया। अपने भक्त के श्राप को विष्णु जी ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनहारी भगवान श्री हरि के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करे। वृंदा ने विष्णु जी को श्राप मुक्त करके स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई थी वहां तुलसी का एक पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। जो मनुष्य तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह करवाते हैं, वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तुलसी विवाह की दोनों कथाएं पूर्ण हुई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको तुलसी जी के विवाह की दोनों कथाएं पसंद आई हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया, जय श्री हरि भगवान लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय तुलसी जी की, जय श्री हरि भगवान।